करेंगे कि क्लोजर्स क्या होते हैं और क्लोजर का सिंटेक्स कैसे काम करता है। सो क्लोजर्स बेसिकली सुपरसेट ऑफ फंक्शंस है, ठीक है। तो फंक्शंस जो हम पढ़ते हैं वो एक तरह के क्लोजर ही होते हैं, हाँ। जितने भी फंक्शन के सिंटेक्स हमने देखे वो एक तरह के क्लोजर ही होते हैं। तो क्लोजर एक जस्ट ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है। अगर हमने कोई ब्लॉक बना दिया, उस ब्लॉक का हमने एक नाम दे दिया, कहीं स्टोर कर दिया उस ब्लॉक को, तो वो एक क्लोजर हो गया। तो क्लोजर की कई कैटेगरीज है, जिसमें हमने देखा कि ग्लोबल फंक्शन, यानी कि ऐसे फंक्शन जो क्लास के बाहर रहते हैं वो भी क्लोजर हो गए, क्लास के अंदर जो फंक्शन है वो भी क्लोजर हो गए, ठीक है। तो क्लोजर पढ़ने के साथ में हमें कुछ सिंटेक्स और देखने हैं जो अभी तक हमने देखे नहीं हैं। तो वो है फंक्शन वेरिएबल के। एक फंक्शन वेरिएबल क्या होता है उसको भी समझते हैं, तो हमें क्लोजर इजीली समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली जैसे हम एक्स इंटीजर को, फ्लोट को, लॉन्ग को, डबल को, कैरेक्टर को, बुलियन को, स्ट्रक्चर का, वेरिएबल को, इन सबको वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं और हम एक जगह से दूसरी जगह पास कर देते हैं, वैसे ही फंक्शंस के भी वेरिएबल बनाए जा सकते हैं। यानी फंक्शन को भी कहीं स्टोर किया जा सकता है और फंक्शन को भी पास किया जा सकता है। ऐसा एक सिंटेक्स दिया है स्विफ्ट ने कि फंक्शन को भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो फंक्शन टाइप के वेरिएबल कैसे बनाए जाए, फंक्शंस को कैसे स्टोर किया जाए, एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाए फंक्शन को, उसको हम देख रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैंने एक फंक्शन बनाया एड, और एड फंक्शन दो इंटीजर को एड कर रहा है, और कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, वॉइड रिटर्न टाइप है। ठीक है, ये एक फंक्शन, सिंपल सा फंक्शन। अब इस फंक्शन का अपना एक डेटा टाइप है कि इसमें दो इनपुट है और एक रिजल्ट रिटर्न आउटपुट में कुछ नहीं है, वॉइड है। तो इस फंक्शन का जो टाइप होगा वो क्या होगा, इस फंक्शन का वो हम टाइप भी बोलेंगे। सो टाइप ऑफ एड फंक्शन इज ब्रैकेट्स इंट कॉमा इंट एंड रिटर्न टाइप वॉइड। तो ये जो है, ये इतना जो सिंटेक्स है जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर, ये डेटा टाइप है, ये प्रोटोटाइप है, ये सिग्नेचर है, ये कंसेप्ट है। सो ये डेटा टाइप है इस एड फंक्शन का, ठीक है। तो एड फंक्शन को मैं कॉल कैसे कर सकता हूँ, एड लिखूंगा और वैल्यू पास कर सकता हूँ 4 और 9। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, तो ये रिजल्ट भी आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा। अब ये तो फंक्शन को कॉल किया हम, लेकिन फंक्शन का भी अपना खुद का एक डेटा टाइप होता है, वो डेटा टाइप है इंट इंट वॉइड। तो हम इस टाइप के वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे मैंने वेरिएबल ए करके वेरिएबल बनाया या F1 करके वेरिएबल बनाया। इस वेरिएबल का डेटा टाइप मैं कर सकता हूँ सिमिलर टू फंक्शन। जैसे जनरली वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होता है, तो इंटीजर होता है या फ्लोट होता है या लॉन्ग या डबल होता है। मैंने इसका डेटा टाइप बना दिया इंट कॉमा इंट एर वॉइड। तो ये भी एक डेटा टाइप है, ये जो मैंने लिखा है ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, ये कंपोजिट डेटा टाइप है, पर ये भी एक डेटा टाइप है। तो ये डेटा टाइप किसको असाइन किया, F1 को। अब F1 का डेटा टाइप और इस एड फंक्शन का डेटा टाइप सेम हो गया, दिख रहा। तो अपन क्या कर सकते हैं, हम F1 इक्वल टू एड लिख सकते हैं, यानी एड करके जो फंक्शन है उसको हमने एज अ ऑब्जेक्ट बनाया, उसे हमने वैल्यू बनाया और वैल्यू बना के F1 में स्टोर कर दिया। सो फंक्शंस कैन बी स्टोर्ड। अब इस फंक्शन को, एड फंक्शन को हमने F1 को असाइन कर दिया क्योंकि दोनों का डेटा टाइप सिमिलर है। अब मैं उस एड फंक्शन को F1 के थ्रू कॉल कर सकता हूँ।
ऐसे। ये मैंने अब मैंने पास किया उसको 5,7, तो देखते हैं क्या ये चलता है। तो हमने देखा ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि एड काम कर रहा था। तो एक चीज समझ में आई आपको कि फंक्शन को भी किसी वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने क्यूब करके एक फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन को मैंने एक एक्स इंटीजर पास कर दिया। इस फंक्शन ने क्या किया, उसका क्यूब निकाला, क्यूब निकाल के इसने रिटर्न कर दिया। तो क्यूब इंटीजर का क्यूब इंटीजर होता है, इसने रिटर्न किया एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब इस क्यूब फंक्शन को मैं डायरेक्टली चला सकता हूँ, तो मैं डायरेक्ट चलाऊंगा तो क्यूब एक्स की वैल्यू 6 डाली और मैंने रन किया, इसने रिजल्ट दिया। वेरिएबल आर वन में मैंने रिजल्ट रखा और आर वन को मैंने प्रिंट किया। इसी तरह से मैं एक फंक्शन और बना सकता हूं और उसका नाम रख लिया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फंक्शन जो है उसको मैं एन पास कर रहा हूं, ये उस एन का फैक्टोरियल निकाल के रिटर्न करेगा। तो मैंने एक फोर लूप के थ्रू वन डॉट 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 एन एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, तो मैंने एक फैक्टोरियल निकालने का कोड लिख दिया यहाँ, और इस एफ में जो फाइनल वैल्यू आ गई उसको मैंने रिटर्न कर दिया। तो ये फंक्शन भी मुझे रिटर्न करेगा लेकिन ये फैक्टोरियल रिटर्न करेगा। इसको मैंने कॉल कर लिया वेरिएबल आर टू इक्वल टू फैक्टोरियल एंड अगेन फैक्टोरियल ऑफ 6 प्रिंट आर टू। ठीक है, तो जैसे मैं आर वन प्रिंट कर रहा था यहाँ पर क्यूब, थोड़ा सा उसको डेकोरेट कर देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस दिख जाएगा आपको। उसी तरह से मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ फैक्टोरियल, इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया मैंने। इसको मैंने रन किया तो आपको फैक्टोरियल भी मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों सिर्फ फंक्शन बना के दिखाया मैंने आपको कि ये दो फंक्शन है, एक क्यूब निकालता है एक फैक्टोरियल निकालता है। अब दोनों का देखो, आप दोनों का डेटा टाइप, दोनों फंक्शन का टाइप सेम है, इंटीजर इनपुट लेता है और इंटीजर आउटपुट में देता है। इसी तरह से फैक्टोरियल भी इंटीजर इनपुट में लेता है, इंटीजर आउटपुट देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल का नाम रख लिया माई फंक्शन, और फंक्शन का डेटा टाइप मैंने रखा, इस वेरिएबल का डेटा टाइप मैंने फंक्शन टाइप का रखा, इंटीजर इनपुट और इंटीजर आउटपुट। ये डेटा वैल्यू वाला वेरिएबल नहीं है, ये फंक्शन वेरिएबल है। अब मैंने क्या किया, यूजर से, मैंने यूजर से बोला, एक एक वेरिएबल मैंने ले लिया यहाँ पर वेरिएबल माई वैल्यू, और माई वैल्यू की वैल्यू है 8। अब इस 8 का क्यूब निकालना है या फिर इस वेरिएबल का फैक्टोरियल निकालना, ये मैं यूजर से पूछ लेता हूँ। एंटर योर चॉइस 1 4 क्यूब एंड 2 4 फैक्टोरियल। इसको इनपुट ले लेते हैं, तो वेरिएबल चॉइस के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इफ चॉइस इक्वल टू 1 तो क्यूब निकालना है, तो मैंने माई फंक्शन वेरिएबल के अंदर क्यूब नाम का फंक्शन स्टोर कर दिया। समझ में आया? बेसिकली माई फंक्शन का डेटा टाइप सिमिलर किसके डेटा टाइप के सिमिलर है, क्यूब के सिमिलर है, इंटीजर इनपुट इंटीजर आउटपुट, यहाँ भी इंटीजर इनपुट इंटीजर आउटपुट। फैक्टोरियल का डेटा टाइप भी सिमिलर टू माई फंक्शन है,
तो इस तरह से मैंने माई फंक्शन में क्यूब स्टोर कर लिया। अगर चॉइस टू होगी तो माई फंक्शन मैंने क्या रख दिया यहां पर, फैक्टोरियल। अब जब लूप ये चॉइस खत्म होगी उसके बाद मैं माई फंक्शन को चलाऊंगा और माई फंक्शन में मैं पास कर दूंगा यहां पर माई वैल्यू। अब माई वैल्यू वेरिएबल मैंने बनाया था ऊपर, जिसमें क्या स्टोर किया था 8। इसको ठीक है ऊपर बनाने की जगह नीचे बना सकते हो, ज़रूरत यही थी तो यही बना लिया आपने, ठीक है। तो अब हम जब तक यूज़र चॉइस नहीं डालेगा तब तक हम बता नहीं सकते कि माई वैल्यू हमें क्या रिटर्न करके देगा, माई फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा। तो माई फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा उसको हम R3 वेरिएबल में रख रहे हैं और उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ R3 की वैल्यू प्रिंट की। ये डिपेंड करतेगा करेगा यूजर की चॉइस पे। तो वो बोल रहा है माई फंक्शन यूज्ड बिफोर बीइंग इनिशियलाइज्ड, क्योंकि माई फंक्शन में बाय डिफॉल्ट कुछ रखा ही नहीं अपन ने, कुछ रखा क्या, तो वो इफ में नहीं गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए अपन क्या करते हैं इसको ऑप्शनल टाइप बना दें। मैंने इसको ऑप्शनल टाइप बना दिया। जब कोई किसी को ऑप्शनल टाइप बनाते हैं ठीक है, तो उसमें उसमें निल भी हो सकता है ना। तो मैं यहाँ पर एक चेक लगा दूंगा, इफ माई फंक्शन नॉट इक्वल टू निल, अगर इसमें एक भी फंक्शन असाइंड नहीं है ऐसा करेंगे, और जब भी यूज़ करेंगे तो एक्सक्लेमेशन ऑपरेटर को यूज़ करके करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑप्शनल है। तो मैंने ये इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा तो इसको मैं यहां पर ऐसा लिख देता हूं, तो कंफ्यूजन मैंने दूर किया, थोड़ा स्पेस आ गया है। तो मैंने रन किया, अब मैंने चॉइस एंटर किया, वन वन क्यूब है तो क्यूब आ रहा है। हेलो, टू मैंने फैक्टोरियल लिया तो फैक्टोरियल आ रहा है 8 का, और अगर मैं थ्री दूंगा तो 3 कुछ भी नहीं होगा, इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, है ना। तो इस तरह से हम किसी एक वेरिएबल में रन टाइम पे भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन चलाना है बेस्ड ऑन चॉइस। तो इससे क्या डायनामिक बिहेवियर हो गया कि एक वेरिएबल में आप फंक्शन स्टोर कर लो और जब जो जब जैसी चॉइस आए उसके बेसिस पे वो फंक्शन चला दो यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, एक नई चीज़ हम करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि बेसिकली क्लोजर एक्सप्रेशन क्या होती है। क्लोजर तो हमने किसी भी फंक्शन को क्लोजर बोला जा सकता है, पहली चीज़ तो ये। लेकिन एक क्लोजर एक्सप्रेशन जो होती है वो फंक्शन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो क्लोजर एक्सप्रेशन क्या है वो समझते हैं। जब हम कोई फंक्शन बिना नाम दिए बना लेते हैं तो उसको हम क्लोजर एक्सप्रेशन बोलते हैं। अभी तक हम फंक्शन को एक नाम देते थे कि क्यूब दे दिया, फैक्टोरियल दे दिया। अब हम फंक्शन बना सकते हैं बिना नाम दिए, ऐसी ऐसे सिंटैक्स को हम क्लोजर एक्सप्रेशन बोलेंगे या एनोनिमस फंक्शन बोलेंगे। तो क्लोजर एक्सप्रेशन कुछ नहीं, बिना नाम वाला फंक्शन है, इसको हम टेक्निकली बोल रहे थे एनोनिमस फंक्शन है। तो मैंने यहां पर एक ऐसा बनाया, यहां पर वेरिएबल क्लोजर वन करके एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। वेरिएबल नाम कुछ भी हो सकता था पर मैंने क्लोजर वन लिया और ब्रैकेट्स लगा दिए और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये जो ब्लॉक है ये भी एक फंक्शन ही है पर इसका कोई नाम नहीं है, और इस बिना नाम के फंक्शन को हमने किस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, क्लोजर वन में। आ रहा है समझ में? हेलो,
हेलो। हाँ देखो, क्या है कि बीच बीच में तुमको हाँ ना करते रहना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, मुझे लगा कि लगेगा कि तुम कहानी सुनते सुनते सो गए हो, है ना। ठीक है, सो बेसिकली समझना ही पड़ेगा। तो क्लोजर वन क्या है? क्लोजर वन एक एनोनिमस फंक्शन है, बिना नाम का फंक्शन है, जिसमें एक हमने एक स्टेटमेंट डाला है। वैसे तो ऐसे सिंटेक्स को हम क्लोजर एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसको मैं रन करता हूं तो वही जैसे फंक्शन रन करते हैं, ये ब्रैकेट लगा के कॉल कर लिया। वो पुराना कोड भी चल रहा है, उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो हेलो वर्ल्ड आ गया। अभी अगर हम आगे बात करते हैं कि हम ऐसा फंक्शन भी बना सकते हैं, ऐसा क्लोजर भी बना सकते हैं, जिसके जिसके अंदर हम डेटा भी पास कर सकते हैं। तो एक ऐसा क्लोजर बनाता हूँ जो स्क्वायर निकालेगा। अब स्क्वायर निकालने के लिए इनपुट तो पास करना पड़ेगा या यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा। तो यूजर से इनपुट का कोड तो आप लिख सकते हैं क्लोजर के अंदर, लेकिन मैं ऐसा क्लोजर बना रहा हूँ जो इनपुट में डेटा लेता है। अब क्लोजर का जितना भी कोड होता है इन ब्लॉक्स के अंदर ही आना चाहिए। तो जिस क्लोजर को हम डेटा पास करेंगे उसका कोड भी इस ब्लॉक के अंदर आएगा। इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे या ए ऑफ टाइप इंटीजर लिखेंगे, इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है तो वॉइड लिखेंगे। तो जैसे हम फंक्शन जब बनाते हैं, जब हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन का इनपुट टाइप रिटर्न टाइप हम फंक्शन के साथ में लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया था फैक्टोरियल के साथ। फैक्टोरियल लिखा और ये लिख दिया, और बाकी का कोड ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर इनपुट टाइप और रिटर्न टाइप ब्लॉक के अंदर ही लिखा जाता है क्लोजर के लिए, और उसके बाद फंक्शन का कोड शुरू करने के लिए इन करके एक कीवर्ड आता है, इन, उस इन कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद फिर आप जो भी लिखो यहाँ पर, उसके बाद आप जो भी लिखो यहाँ पर कोड लिख सकते हो, स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, और फिर आप रिटर्न कर दो यहाँ से स्क्वायर को, क्योंकि इसका स्क्वायर हमने रिटर्न कर दिया और एक स्क्वायर का डेटा टाइप इंटीजर है, तो रिटर्न टाइप क्या हो गया इसका? इंटीजर। तो यह क्लोजर भी वैसे ही हो गया। अब इस क्लोजर को हम रन कर लेते हैं, क्योंकि इसको इनपुट में डेटा पास करना पड़ेगा और इससे इन डेटा आएगा आपके पास। तो क्लोजर, ऐसा क्लोजर भी बना सकते हैं जो इनपुट में डेटा लेता है, बस उसको इनपुट में लेना और रिटर्न टाइप क्लोजर के अंदर लिखा जाता है और बाकी का कोड इनके बाद लिखा जाता है। अगर उस क्लोजर में कुछ भी पास नहीं कर रहे हो तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कोड लिख सकते हैं। हाँ, इनकी ज़रूरत पड़ेगी और ये इनपुट टाइप यहाँ लिखना पड़ेगा। आ गया स्क्वायर। हाँ, अब आपने देखा होगा कि इस क्लोजर का जो सिंटेक्स है, इस क्लोजर का सिंटेक्स जो है वो मैच करता है इस सिंटेक्स से, इनपुट टाइप इंटीजर रिटर्न टाइप इंटीजर, है ना। और फैक्टोरियल के सिंटेक्स से भी मैच करता है इनपुट टाइप इंटीजर रिटर्न टाइप इंटीजर। तो आप माई फंक्शन के अंदर इस क्लोजर को भी, क्लोजर टू को भी स्टोर कर सकते हैं और फिर माई फंक्शन को चला सकते हैं। मैं यही चला जाता हूँ प्रिंट के अंदर, क्योंकि ऑप्शनल तो अनरैप करूँगा मैं इसको, और इसको मैंने 7 पास कर दिया, तो इस 7 का स्क्वायर रिटर्न कर देगा। अब इसका क्या फ़ायदा है? इतना सब हम कर रहे हैं, इसका फ़ायदा ये है कि जब हम किसी फंक्शन को, किसी क्लोजर को, किसी वेरिएबल में हम स्टोर कर पा रहे हैं,
किसी फंक्शन या किसी क्लोजर को जब हम वेरिएबल में स्टोर कर पा रहे हैं, तो उस वेरिएबल को हम किसी और फंक्शन को पास भी कर सकते हैं इन द पैरामीटर। ये एक नई चीज़ है कि फंक्शन को किसी वेरिएबल में रख के उस वेरिएबल को कहीं पास भी कर सकते हैं। तो मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक नया फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम रखा डू समथिंग। इस फंक्शन को मैंने एक एन वेरिएबल बना पास किया जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, और एक एफ वेरिएबल पास किया जिसका डेटा टाइप एक फंक्शन है। समझ में आया डिफरेंस आपको? तो एन तो नया सिंपल इंटीजर वेरिएबल है, जबकि एफ एक फंक्शन है ना। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, डू समथिंग, जो एन है उस एन का ये क्या करेगा कि क्यूब निकालेगा, सॉरी क्यूब भी निकालते हैं, उस एन में 5 का मल्टीप्लाई करेगा। तो वेरिएबल आर इक्वल टू एन इंटू 5, तो अगर एन में 2 होगा तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे करेगा आर इक्वल टू आर प्लस एफ। अब एफ क्या है, फंक्शन जिसको इनपुट में कुछ दिया जा सकता है। तो जो n मैंने यहाँ पर पास किया था वो n ही इस फंक्शन को मैं पास कर देता हूँ। अगर n की वैल्यू 4 होगी तो 4 पास हो जाएगा। फिर चूंकि ये फंक्शन है तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में प्लस हो जाएगा, r में, और r में फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने रिजल्ट इक्वल टू करके यहाँ पर r की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैं डू समथिंग को चलाता हूँ। डू समथिंग को चलाना था तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने पास कर दिया 3, ठीक। अब सेकंड आर्ग्यूमेंट में आपको पास करना है एक फंक्शन, क्योंकि सेकंड आर्ग्यूमेंट का टाइप फंक्शन टाइप है। एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो इनपुट में इंटीजर लेता है और आउटपुट में इंटीजर देता है। तो आप यहाँ पर एड फंक्शन पास नहीं कर सकते, क्योंकि एड फंक्शन तो 2 इंटीजर इनपुट में लेता है। तो मैं अगर यहां पर एड करके फंक्शन पास करूंगा तो सिंटैक्स एरर हो जाएगा। तो कैन नॉट कन्वर्ट वैल्यू ऑफ टाइप इंटीजर इंटीजर वॉइड टू इंटीजर इंटीजर, इसलिए हमें ऐसे फंक्शन पास करना पड़ेंगे जो इस सिंटैक्स को मैच करते हैं। तो आपको पता है क्यूब करके फंक्शन है, तो वो फंक्शन को मैंने यहाँ पास कर दिया। अब इससे क्या होगा, 3 तो n में चला जाएगा और f में क्यूब आ जाएगा। तो जब हम 3 पास करेंगे यहाँ पर तो 3 इंटू 5 होगा, 3 इंटू 5 क्या होगा, 15 होगा, ठीक है। फिर यहाँ तो 15 हो गया, अब f इंटू n, n की वैल्यू 3 है, तो 3 जो है तो यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस एफ ऑफ 3। अब एफ की जगह क्या पास किया था अपन ने, क्यूब, तो ये हो जाएगा 15 प्लस क्यूब ऑफ 3, ठीक है। क्योंकि एफ की जगह क्या पास क्या आ जाएगा, एफ की जगह क्या आ जाएगा, क्यूब। तो क्यूब ऑफ 3 कितना होता है, 9 into 3 27। तो 27 प्लस 15 कितना हुआ, 42। तो आंसर 42 आना चाहिए अपना। तो मैंने यहां पर रन कर दिया इसको, 42 आंसर आ गया। अब इसी तरह से अगर मैं यहां पर 4 पास करूं तो यहां पर 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, या 20 प्लस एफ। अब एफ की जगह मैंने क्यूब की जगह क्या पास कर दिया यहां पर, फैक्टोरियल। तो यहां पर फैक्टोरियल निकलेगा,
फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2, 24। तो 24 प्लस 20 कितना होगा, 44। तो हम इसको रन कर देते हैं। सॉरी, ये फैक्टोरियल तो ये 20 हो गया और 4 का क्यूब होगा 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24। हाँ अब मैं इसको रन करता हूँ, मैंने तो 44 आ गया है ना। तो इस तरह से हम कोई भी एक फंक्शन को कोई दूसरा फंक्शन पास कर सकते हैं। अब हमने क्लोजर बनाया था, किस नाम से था, क्लोजर टू, उसका सिंटेक्स भी वैसे ही, तो क्लोजर को भी पास कर सकते थे हम डू समथिंग फंक्शन को। तो डू समथिंग फंक्शन को मैंने यहाँ पर 5 पास किया और यहाँ पर क्लोजर 2 पास कर दिया। आगे समझ में? तो रिजल्ट 50 आ गया वहाँ पर, क्योंकि क्लोजर टू स्क्वायर करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये देखने की कोशिश की यहाँ पर कि क्लोजर जो होता है, एक फंक्शन जो होता है किसी दूसरे फंक्शन को पास कर सकते हैं, फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। क्लोजर एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन है, ऐसा कोड होता है कि जिसका नाम नहीं होता लेकिन डायरेक्ट कोड होता है, और उसको इस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, और क्लोजर को किसी फंक्शन को पास भी किया जा सकता है। आगे समझ में आपको? हेलो,